छोटे हुए दिल के आकार का फ्लूइड, क्यूपिड की पेंसिल, लव पोशन वाली ग्लू और लव इरेजर। रचनात्मक वैलेंटाइन के स्कूल के सामान के लिए हमारी नई वीडियो देखें। रेडहेड को वैलेंटाइन डे बहुत पसंद है। वो पूरे स्कूल को दिल लगाकर सजाना चाहती है, पर उसकी दोस्त क्रिस्टी को रोमांस के सामान से नफरत है। यहाँ तक कि ड्राइंग पिन इस खास दिन के लिए आकार में बदल जाती है। एक प्लास्टिक के पारदर्शी जार को सिल्वर एक्रेलिक पेंट से रंगे, ढक्कन को दिल के आकार के बीच से सजाएं, ग्लू से जार को अंगूठी पर लगाएं, अंगूठी को दिल के आकार के राइनस्टोन से सजाएं, ड्राइंग पिन को जार में डाल दें। रेडहेड के पास पहले से ही एक ड्राइंग पिन की अंगूठी है, उसे बस अपने मिस्टर राइट का इंतजार है और हर तरफ दिल को चिपकाना है। क्रिस्टी इस गुलाबी क्यूटनेस को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो यहाँ पढ़ाई करने आई है। चलो साधारण ड्राइंग पिन्स के साथ कुछ गंभीर फॉर्मूलास लगा दें। रेडहेड बोर हो रही है। इस स्कूल में कभी भी कुछ भी रोमांटिक नहीं होता। इसके अलावा उसकी दोस्त वैलेंटाइन डे की एक नंबर की दुश्मन है। मुझे इस स्थिति को ठीक करने की जरूरत है। रेडहेड ने अपने क्यूपिड के तीर को पेंसिल के साथ निकाल दिया ताकि हर कोई रोमांटिक वाइब दे सके। एक्रेलिक प्राइमर के साथ एक रंगीन पेंसिल ट्यूब को रंग दें। इसे साथ लगा दें। अंदर के हिस्सों को सुनहरे रंग से रंग दें। एक पेंसिल से उस पर दिल का आकार बनाएं। इसे सफेद ग्लू से ढकें और इस पर चमकीली को छिड़कें। पेंसिल को सुनहरे रंग से पेंट करें। एक रंगीन पंख को टुकड़ों में काटें और उन्हें पेंसिल के किनारों पर हॉट ग्लू से लगाएं ताकि ये एक तीर की तरह दिखे। एक पेंसिल शार्पनर को सुनहरे रंग से पेंट करें। एक चमकदार फोम रबर शीट को दिल के आकार में काटें और इसे शार्पनर पर हॉट ग्लू से लगा दें। तीर वाली पेंसिल को ट्यूब में डालें और पेंसिल शार्पनर भी डालें। एक सजावटी लेदर की पट्टी को ट्यूब पर हॉट ग्लू से इस तरह लगाएं कि ये तीर की तरकश की तरह दिखे। रेडहेड ने अपनी दोस्त की तरफ इस तीर से निशाना लगाया। टीचर क्लास में आ गया। बहुत बढ़िया, ये है हमारी क्यूपिड का नया शिकार। देखते जाओ मिस्टर सेबास्टियन। मगर हमारी क्यूपिड का निशाना बहुत बुरा है और तीर टीचर के बालों में जाकर फंस गए। इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। मुझे इन सभी तीरों को दिल के आकार के शार्पनर से शार्प करना चाहिए। अब क्यूपिड का निशाना नहीं चुकेगा। उफ, ऐसा लगता है तीर टीचर के कान में कुछ ज्यादा अंदर तक चला गया, मगर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। टीचर जब किंडरगार्टन में था तब उन्होंने जादू की क्लासेस ली थी किसी अच्छे कारण से, और अब वो प्यार वाले तीर को शूट कर सकते हैं। यहाँ तक कि रेडहेड के क्रेयॉन भी इस दिन के लिए खास हैं। मुझे आशा है कि क्रिस्टी का भी पत्थर दिल पिघल जाएगा जब वो इन रंगीन दिलों को देखेगी। माइक्रोवेव में क्रेयॉन के टुकड़ों को पिघलाएं और उन्हें एक दिल के आकार में सिलिकॉन के सांचे में डालें। विभिन्न रंगों के दिल बनाएं। उन्हें सख्त होने दें। पीले एक्रेलिक पेंट से दिल के आकार के डिब्बे को रंगे। एक प्रिंटेड क्रेयॉन लेबल को ढक्कन पर ट्रेस करें। लेबल को ढक्कन पर लगाएं और दिल के आकार के क्रेयॉन के डिब्बे में डालें। रेडहेड ने इन प्यारे रोमांटिक क्रेयॉन्स को बाहर निकाला, मगर क्रिस्टी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। वो अपने साधारण क्रेयॉन्स के साथ खुश है। तुम्हारा नुकसान है, इन रंगीन दिलों के साथ ड्राइंग करना बहुत मजेदार है। क्रिस्टी अपने नोट्स को मिटा रही है और रेडहेड को याद आया कि उसके पास कुछ असामान्य रोमांटिक लव इरेजर्स हैं। अलग अलग रंग के चार बड़े इरेजर लें। हर इरेजर में एक अक्षर को काटें, L, O, V और E। लव शब्द बनाने के लिए उन्हें एक साथ रखें। रेडहेड ने अपनी दोस्त को इन इरेजर को इस्तेमाल करने के लिए बुलाया। हम इनसे क्या बना सकते हैं? क्रिस्टी इसके बजाय एक बहुत बेतुका शब्द बनाती है। सच में क्या ये इन इरेजर को बर्बाद करने लायक था? चलो क्रिस्टी, तुम इन चार अक्षरों के शब्द में गलती कैसे कर सकती हो? ये प्यार का बुखार क्रिस्टी को पागल कर देगा। इसके खिलाफ बोलना बेकार है। यहाँ तक कि क्रिस्टी के इरेजर का कहना है प्यार। क्रिस्टी कुछ कागजों को चिपका रही है, मगर आप हमारी लवी डवी रेडहेड को नहीं रोक सकते। उसने एक आम ग्लू स्टिक को भी दिल के आकार में बदल दिया। एक ग्लू स्टिक की डंडी को बाहर निकालें, सुई की मदद से उसे दिल के आकार में बनाएं और एक कटर से फालतू हिस्से को काट लें। कोनों को सपाट करें। गुलाबी एक्रेलिक पेंट से डंडी को रंग दें।
इस पर सुनहरे रंग के चिपकने वाले दिल लगाएं। रेडहेड का प्लान इस पूरी नोटबुक को दिल और प्यार से भरना है और उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्रिस्टी से कैसे झेलेगी। तुम मेरी इस प्यार की ऊर्जा को नहीं रोक सकती। अब क्रिस्टी की नोटबुक पर रोमांटिक प्रिंट हर जगह है। क्रिस्टी अपनी डेस्क की सफाई कर रही है और साथ ही वो अपनी दोस्त की साइड भी साफ करती है। अचानक से उसे रेडहेड के सामान के बीच एक प्यारा सा केस मिला। ये पेपर क्लिप के साथ एक दिल है, गत्ते की एक पट्टी को चारों ओर मोटे लाल ऊन से लपेटे। स्पूल को उतार लें और इसे आधा काटें। इसे ट्विस्ट करें और एक जंप रिंग के बीच से निकालें। ऊन को आधा मोड़ें और टुकड़े के एक साथ अंगूठी को जकड़ें। किनारों को ट्रिम करें ताकि एक सामान्य लटकन मिल जाए। साइड रिबन की एक पट्टी को मोड़ें और इसे बांध दें। सिरों को पिघलाएं, अक्षरों वाले बीड्स को रिबन के अंदर से गुजारें। फिर एक धागे से लटकन बनाएं और इसे गांठ से बांध दें। धनुष बनाने के लिए शेष रिबन को बांधें और फालतू हिस्सा काट लें। एक स्पष्ट तिल के आकार के केस में लाल लटकन जोड़ें और लव चार्म लगाएं। गुलाबी पेपर क्लिप को रखें। कितने प्यारे हैं ये गुलाबी पेपर क्लिप्स। आखिरकार क्रिस्टी का दिल पिघल गया। ये दिल सिर्फ रोमांटिक ही नहीं, उससे कई ज्यादा है। रेडहेड ने ध्यान दिया कि उसकी दोस्त बदल गई है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी वैलेंटाइन डे की एलर्जी खत्म हो गई है। बिल्कुल नहीं, क्रिस्टी इतनी आसानी से नहीं हार सकती। पेपर क्लिप के साथ एक प्यारा सा दिल कुछ भी नहीं बदल सकता। रेडहेड ने टीचर के डेस्क पर एक नियमित ग्लू को देखा। वैलेंटाइन डे वाले दिन नियमित ग्लू का उपयोग करना मना है। सेबास्टियन को इस ग्लू को लव पोशन में बदलना होगा। अपनी ट्यूब में स्टेशनरी ग्लू को डालें। उसमें थोड़े गुआश को मिलाएं। चमकीली और दिल के आकार के सीक्वेंस जोड़ें। ट्यूब पर एक लेबल लगाएं। अंदर रंगीन ग्लू को डालें और एक प्रिंटेड लव पोशन के लेबल को लगा दें। क्रिस्टी अपनी दोस्त की मदद करने के लिए तैयार है। वो टीचर का ध्यान भटकाती है। उसी समय रेडहेड ट्यूब बदल देती है और हो गया। सेबास्टियन के बिना ध्यान गए ग्लू की अदला बदली हो गई। वो पोशन का इस्तेमाल करता है और अब वो प्रेम तंत्र के तहत पहली चीज उन्होंने मिस स्मिथ की तस्वीर देखी। वो सौंदर्य और शिक्षा की देवी है। प्रेम भावना काम कर गई। सेबास्टियन प्यार के शिकार में है। जरा वो देखो, क्लास में कौन आया? मिस्टर सेबास्टियन का प्यार। मिस मैं कुछ फ्लूइड लेने आई है और वो फोटो के बजाय असलियत में बहुत सुंदर है। सेबास्टियन की उन पर से नजरें नहीं हट रही और सेबास्टियन ने उन्हें अपना दिल दिया। गुलाबी एक्रेलिक पेंट के साथ दो टेप को रंगे दिल का आकार देने के लिए उन्हें एक साथ रखें। उन्हें एक चमकदार चिपकने वाली फोम रबर शीट से ट्रेस करें। एक जिगजैग को ड्रॉ करें ताकि ये टूटे हुए दिल के आकार की तरह लगे। लाइनों के बाद इसे काटें, दो टुकड़े करें। व्हाइट आउट टेप से दोनों किनारों पर फोम रबर शीट को जोड़ें। सेबास्टियन ने अपना दिल आधा तोड़ दिया, क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उनके लिए कोई भी त्याग करेंगे। हे भगवान, मिस स्मिथ ने साधारण व्हाइट आउट मांगा था, ना कि ये रोमांटिक ड्रामा। ऐसा लगता है वैलेंटाइन्स डे सबको पागल कर देगा। हमारी समझदार क्रिस्टी को उसकी नोटबुक पर एक नोट लगाने की जरूरत है। वो रेडहेड का एक पेपर क्लिप लेने को कहती है, लेकिन रेडहेड सभी पेपर क्लिप्स को मुलायम दिल के लिफाफे में डाल देती है। गुलाबी मुलायम फोम रबर शीट से 6 इंच की साइड वाले स्क्वायर को काट लें। 3.25 इंच के मार्क्स को हर साइड पर लगाएं। इन मार्क्स को जोड़ें ताकि आपको एक स्क्वायर मिले। इनके इंटरसेक्शन पर छोटे ट्रायंगल्स को काटें। लाल मुलायम फोम रबर शीट से खुला लिफाफा काटें। इसे गुलाबी टुकड़े पर चिपका दें और लिफाफे को जोड़ दें। फ्लैप के कोने पर एक मुलायम दिल को जोड़ें। इसके अंदर एक छोटा मैग्नेट लगाएं और इस पर एक और दिल लगा दें। दिल के आकार की पेपर क्लिप लिफाफे में डालें और लिफाफे को मैग्नेट के साथ बंद करें। बेचारी क्रिस्टी, इतने सारे दिल देखकर उसे तो दिल का दौरा पड़ जाएगा। लेकिन इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। वो अपनी प्यार की एलर्जी को जारी रखना चाहती है। रेडहेड अपनी खड़ूस पड़ोसी के लिए एक तोहफा बना रही है। उसे यकीन है कि ये नोटबुक क्रिस्टी को प्यार में विश्वास दिलाएगी। एक नोटबुक के कवर पर दिल का आधा हिस्सा खींचें, आउटलाइन के मुताबिक पन्नों को काट लें।
क्रीप पेपर को गुलाबी रंग की 3 शेड्स में पट्टियों में काटे। हर पट्टी को फ्रिंज बनाने के लिए काटे। एक दिल के आकार को खोले, एक के बाद एक अलग अलग रंगों से फ्रिंजेस की पट्टियों को लगा दें। रेडहेड अपनी दोस्त को दिल से तोहफा देती है, पर क्रिस्टी फिर भी खिंच जाती है। वो ये प्रेम अक्षर बाहर निकालो इनसे। ऐसा लगता है रेडहेड सच में अपनी दोस्त से नाराज हो गई है। लेकिन क्रिस्टी रेडहेड का वैलेंटाइन्स डे बर्बाद करने वाली एक ग्रिंच क्यूपिड नहीं बनना चाहती। ठीक है, पागल मत बनो। मुझे सच में ये एक दिल के आकार की किताब बहुत पसंद है, और वो बदले में एक चाबी के साथ रेडहेड के दिल का ताला देती है। लाल क्ले से एक बड़ी पेंसिल शार्पनर को लपेटे, एक दिल का आकार बनाए, पेंसिल और ढक्कन के लिए छेद से जगह खाली छोड़ दें। एक पाइप क्लीनर को आग बनाने के लिए मोड़े और इसे एक बंद पार्ट के रूप में दिल से जोड़ दें। ग्लू के साथ दिल को रंगे और उस पर चमकीली को छिड़के। एक पारदर्शी नेल पॉलिश से ढके ताकि ये अपनी जगह पर रहे। एक पेंसिल के चारों तरफ लाल पाइप क्लीनर को लपेटे। अंत में एक दिल का आकार दें। पेंसिल शार्पनर से पेंसिल को चिपका दें, जैसे कि ये एक ताले की चाबी हो। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। क्रिस्टी, जो वैलेंटाइन डे से नफरत करती थी, उसने रेडहेड को ऐसा प्यारा तोहफा दिया। एक दिल के आकार का ताला, पेंसिल शार्पनर और एक जादुई की पेंसिल। प्यार असल में अजूबे कर सकता है। क्या आपको हमारे स्कूल के समान पसंद आए? हमें कमेंट्स के जरिए बताएं कि आप वैलेंटाइन डे के दिन कौन से स्कूल के समान को इस्तेमाल करेंगे। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं, ताकि आप ट्रूम ट्रूम से नए और अद्भुत स्कूल के समान मिस न कर दें।